खबर मध्य प्रदेश से है, जहां धार में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इंटरस्टेट गैंग के सरगना समेत 3 गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से 32 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। आरोपियों से सैकड़ों कट्टे और कारतूस बरामद कर लिए गए। ड्रोन कैमरे से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में पुलिस का ये एक्शन बड़ा है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो 3 मोस्ट वांटेड अपराधियों में से हैं। जानकारी के मुताबिक गैंग के सरगना पर कई राज्यों में 35 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं और गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को इनके पास से 149 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस समेत 32 लाख रुपए कैश मिले थे। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें, हथियारों का जखीरा। जब पुलिस ने लोगों को पकड़ा तो इनके पास से कितना हथियार मिला वो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस गैंग का सरगना समेत कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने इस गिरफ्तारी के लिए अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा सकी। पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश और कई राज्यों में चुनाव होने, उस लिहाज से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई कही जा सकती है।